जानना चाहूंगा आप जो विशेष अवसर उसका बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया आपने उसके बारे में जानना चाहूंगा। आज बहुत ही हमारी पंजाब में कहते भाग्य वाला दिन है, बट बहुत लकी डे है आज। आज हिंदुस्तान को एक होनहार और एक सोल्जर मिला था जिसका नाम था शहीद हिंद भगत सिंह जी। इनका आज बर्थडे है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे, मैं उस ब्लड से ताल्लुका रखता हूँ, और जिसकी कदर शायद हिंदुस्तान में उतनी नहीं की जा रही, ये हमें बड़ा अफसोस है, क्योंकि शहीदों को कभी भी शहादत ढंग से नहीं मिली हिंदुस्तान में, आज नहीं मिली है। बट मैं इतना लंबा नहीं घुसना नहीं चाह रहा, क्योंकि आज बहुत लकी डे और हम बड़े खुश हैं। तो हम आज भगत सिंह जी का बर्थडे सेलिब्रेट के लिए बैठे हैं, जब बदल आया हुआ है, सब लोग उसी के लिए इकट्ठे हुए हम लोग आज। मैं वो मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, मैं तो बचपन से बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, तो बॉम्बे में हमेशा हम शिवाजी महाराज के गानों पे कोरियोग्राफी करते थे। बट मेरा हमेशा एक पर्सनल फेवरेट ये था कि मैं जहाँ पर भी डांस कोरियोग्राफ करूँ वो शहीद भगत सिंह जी के गाने पे हो और उस टाइप के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पे हो। तो बचपन से मैं वही सारी चीज़ों को देशभक्ति के गानों पे सिखाया बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेज में, फिर इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो यहाँ पर अलग चलने लगा। एक बॉलीवुड का एक सलमान भाई के थ्रू एक नया अपना रास्ता बना और ज़िंदगी आगे चली। तो आज पता नहीं था कि लाइफ में एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो उसी ब्लड से आ रहे हैं, और मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा इनसे। और फाइनली ही इज़ ऑल्सो अ फिल्म मेकर, तो जब पता चला कि ही इज़ ऑल्सो फिल्म मेकर इन मेकिंग फिल्म में बना रहे हैं इंडिया में भी बाहर भी, तो इनकी फिल्म का भी हिस्सा बना और इनके भी फिल्म के गाने कर रहा हूँ काफ़ी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे हीरो भैया हैं, यूपी के स्टार हैं, ये भी एक मेरा फैमिली मेम्बर हैं और बड़े चहेते हैं मेरे, स्पेशल इसी चीज़ के लिए भी आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को इस बात के लिए मेरी जो कमेटी है जन समस्या मेला भारत, जो थाने स्तर पर और तहसील स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, सरकार तक उनकी बात पहुंचाती है, पूरे देश में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं। आज उनकी 111वीं जन्म जयंती है। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आज भारत, जिसका मूल कारण कोई और नहीं है, शहीद भगत सिंह साहब उनके साथी हैं। इस देश में बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है, इस देश में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन जो योगदान भगत सिंह साहब का था, आज भी भगत सिंह साहब एक विचारधारा, एक सोच है जो हम नौजवानों का आज भी खून गर्म कर देती है जब भी उनका नाम आता है। उनकी शहादत को, जैसा कि हम उस परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आपके साथ बैठा हूं, श्री विक्रम संधु साहब हैं, और ये जो देश में चाहते हैं कि भगत सिंह साहब को, आज भी आप देखते हैं कि जिन्होंने उनसे बहुत कम त्याग, क्योंकि एक व्यक्ति ने भारत की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गया और अपने गर्दन में फांसी स्वीकार कर ली, ये बहुत बड़ी ताकत चाहिए आपको इतने बड़े त्याग के लिए। देश में बहुत कम लोगों ने कार्य किया, लेकिन उन्होंने सत्ता का भी सुख भोगा और बहुत सारा सरकारी धन का इस्तेमाल किया। भगत सिंह साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी कोरी गाड़ी और सबसे गहरी और विशाल कुर्बानी रही पूरे भारत के लिए, हमारे लिए। हम सभी नौजवानों में आज भी भगत सिंह साहब जिंदा हैं, उनकी विचारधारा, उनकी सोच जिंदा है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उस परिवार का एक हिस्सा और आपके साथ बैठे हैं आज मुंबई में। उनकी जन्म जयंती पर हम लोग अभी केक काटने वाले हैं कुछ देर में। भगत सिंह साहब के जो लफ्ज़, उनकी बातें, उनकी लिखी गई जो, वो आज भी हम सब में जिंदा है। उनसे बड़ी शहादत मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान के लिए किसी ने दी हो। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज का भी मुद्दा आज हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग बैठा हुआ है। कभी हमारी जो धरती काबुल तक थी, जहाँ हम राज करते थे, हिंदुस्तान का राज वहाँ तक था। अब मुझे लगता है कि अगर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, अगर हिंदुस्तान में तीन लोग जिंदा होते, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी, तो साला पाकिस्तान कभी नहीं बनता। ये सच्चाई है। या छोटी चीज़ के लिए हम आज इतना बड़ा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ना तो वहाँ की जनता चाहती है
हिंदुस्तान के खिलाफ, ना यहाँ के लोग वहाँ के खिलाफ बोलना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप लोग गलत, क्योंकि मुझे मुझे पता गलत कंट्रोवर्सी फंसा ही देते हैं। मैं पाकिस्तान की फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट ये चाह रहा हूँ शांति। जैसे हमारा पंजाब साहब गुरुद्वारा है तो हम जाते हैं वहाँ मत टेकने जाना चाहते हैं, सब ऐसा नहीं है। बट शायद ये तीन लोग होते तो भगत पाकिस्तान कभी नहीं बनता। बट मैं यही चाहूँगा शांति, सब लोग एक साथ रहें, सब चीज़ इजीली हो, यही हमारा। और भगत सिंह जी को याद कीजिए, ज़रूरी है, और हिंदुस्तान को अब भगत सिंह जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी कहना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा सपोर्ट खोज रहे हैं या चाहते हैं कि पूरा पूरा सपोर्ट है भाई का। देखिए मैं मेरे को तो इन्होंने बोला था कि भाई आप आइए तो आज ही के दिन आइए, जो भी हम आज की हम फाइनल करेंगे हमारे फिल्म के गाने तो आज ही के दिन करेंगे। तो उन्होंने क्यों आज के दिन, क्या खास बात है? तो मैं एक तरह से मेरा था कि हाँ कोई कुछ तो इट्स रिलेटेड टू आवर कंट्री ओनली। फिर आज यहाँ के माहौल देखा कि सारा सजाया हुआ है और सब कुछ है और बहुत सब लोग आए हुए हैं, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं आज हम केक वेक काट रहे हैं और हम बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज से हमारी फिल्म के भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक माहौल, एक ये दिन है आज का, एंड बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फिल्म। हम लोग 10 तारीख को फिल्म का ओपनिंग कर रहे हैं, हमारी जो पहला गाना शूट कर रहे हैं मधुसर भाई कर रहे हैं। मेरी फिल्म के ऑलमोस्ट सारे गाने यही कर रहे हैं। मैं 2 फिल्में अलॉन्च की थी पीछे लास्ट टाइम, आप जानते हो कि एक माही और सीजर। तो मेरी फिल्म की रीढ़ की हड्डी है ये शख्स, तो इसके बिना मैं चलना नहीं पसंद कर रहा। और बहुत प्यारा इंसान है, बहुत डाउन एंड अर्थ है। मतलब इस इंसान के अंदर ये है कि जहाँ घुसेगा वो बंदा कभी फेल हो ही नहीं सकता। और मैं मुझे लगता है जो इसने गाने कर दिए मेरी फिल्म के, तो फिल्म फ्लॉप हो ही नहीं सकती 100%। सर अभी 28 तारीख को फ्लोर पे जाने वाले थे आप, आपने लास्ट आपने अनाउंस किया था 28 तारीख को। मैं हम लोग गाना शूट किया, एक्चुअली गाना हम लोग बाहर शूट, मेरा आउटडोर इंडोर नहीं आउटडोर गाना शूट है, बड़ा गाना शूट है। तो ये एक मौसम का प्रॉब्लम करके हम लोग आगे गए हैं, क्योंकि 28 को हम लोग पहले शूट करने वाले थे, हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारी भी हो गई थी। तो बरसात बहुत ज़्यादा आ रही है उस दिन, इसकी वजह से हम लोग 10 तारीख को ले गए आगे, सिर्फ मौसम की वजह, बाकी और कोई टेंशन नहीं। ओके मधु सर जी के साथ में फिल्म जैसे स्टार्ट होने वाली है, तो आप भी कोई कोई किसी तरीके कोई किरदार में नजर आएंगे? अरे भाई मैं तो एक्टर के किरदार में कभी नज़र नहीं आऊँगा। मेरा तो काम ही है कि भाई कोरियोग्राफी करूँ, पीछे कैमरा के पीछे से धमाल मचाऊं। मीडिया में पक्का वादा मेरा, जिस दिन हीरो बनने की कोशिश करूंगा। तो विक्रम सर मतलब स्टार कास्ट का फाइनेंशन हुआ या नहीं हुआ, क्या चल रहा है? ऑलमोस्ट सारा हो गया यार, बोला तो था 28 को, अब 10 तारीख को भाई देंगे। तो सरप्राइज को बुलाया था आपने, तो हितेन को क्या रजामंदी हुई उनकी तरफ से, आपकी तरफ से? नाना भाई है मेरा, बहुत अच्छा स्वीट गाय है, बहुत अच्छा भाई है, मेरे साथ काम करने वाला, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं भाई, पक्का 100%। बहुत स्वीट गाय है मेरा, लवली। फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं ना जितना, मतलब उनका रीजनेबल फीस है वही चार्ज कर रहे हैं? क्या चीज फीस के हिसाब से? नए डायरेक्टर के साथ काम करने पे लोग थोड़ा सा मतलब फीस की बात ही नहीं यार, कोई भी उसने उस शख्स ने पर्सनल रिलेशन है, और मेरे साथ किसने फीस की बात भी नहीं। मैं तो यहाँ भी कोई फीस की बात नहीं, मैं तो लेके काम कर रहा हूँ। तो भाई है वो, ऐसा कुछ नहीं भाई, जहाँ रिश्ते होते हैं और पैसे नहीं होते ये जिंदगी में, तो रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं और मेरा सबके साथ रिश्ता है। और सच्चाई बात है कि यार पैसे के बिना गुजारा भी नहीं है, है कि नहीं? तो रिस्पेक्टेड जो बनती है, जिस इंसान की रिस्पेक्टेड पेमेंट बनती है उसे मिलनी चाहिए, उसका हक बनता है वो। ऐसा नहीं कि जिस आदमी को रिस्पेक्टेड बना के आप उसको बोलो कम करो, क्यों कम करो? जब वो इंसान कुछ नहीं था तब आपने किसने सपोर्ट की थी उसके लिए, आज वो बन गया तो आप उसको बोलते हो मेरी फेवर कर, क्यों फेवर लेते? जो हक बनता दो ना उसको, ठीक है ना? तीनों भाइयों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के देशभक्त वासियों को भगत सिंह जी का बर्थडे की मुबारक हो, और हम चाहते हैं उनको सब लोग याद करें, उनकी सोच पे चलें और उनको सपोर्ट करें। मैं भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा पूरी कंट्री को और पूरे देश को कि, और मैं यही अपने यंग जनरेशन को स्पेशली कहना चाहूँगा कि यार वैलेंटाइंस डे तो मनाते हो जो कि बहुत ही मामूली सा दिन है, ये जो दिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा दिन है, और इसको और बहुत ही बड़े लेवल पे इसको सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ। और ये वो सीनियर्स को बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को वो सारी कहानियाँ सुनाकर उनको इंस्पायर करें, ताकि वो लोग भी इस दिन को बहुत ही इम्पोर्टेंटली लें और आगे बढ़ें। थैंक यू।
शहीद भगत सिंह साहब के 111वें जन्म जयंती पर मैं सभी देशवासियों को, हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आग भारत के लिए, इस देश के लिए हम सब नौजवानों में आज भी जिंदा है, उस आग के लिए मैं विशेष तौर पे पूरे देश के समस्त नौजवान साथियों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।